हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, डेसिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, डेसिमल्स। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स क्लास इन एक्स वाई जेड स्कूल, अ लॉन्ग जंप कॉन्टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ईच पार्टिसिपेंट इज गिवन 3 चांसेस। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ द जंप। तो स्पोर्ट्स क्लास में एक्स वाई जेड स्कूल में एक लॉन्ग जंप कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें हर पार्टिसिपेंट को 3 चांसेस दी गई। तो यहाँ पे हमें इनका रिजल्ट्स गिवन है। तो 3 जंप्स हुई, शोभित, शिवम एंड अभिषेक। और इन्होंने कितने कितने मीटर की जंप करी वो हमें यहाँ पे गिवन है। राइट द जंप्स ऑफ शोभित एंड शिवम इन वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें ये जंप वर्ड्स में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, 3.25 हमने इसको ऐसे लिखा, शोभित की जंप को। नेक्स्ट अब हमारे पास है 3.55, हम इसको लिखेंगे 3.55 मीटर। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे शिवम एंड अभिषेक की जंप्स लिखनी है, इसको कैसे लिखेंगे, 3.1/0 मीटर, का मतलब है 3.10/100। तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरोस हम अपने डिनोमिनेटर में वन के बाद पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको ऐसे हम लिखते हैं। तो अब हम डेसिमल्स को समझते हैं। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अब ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो, उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4/10, 25/100, 142/100, इस तरीके के ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। द वर्ड डेसिमल हैज कम फ्रॉम अ लेटिन वर्ड डिसेम, व्हिच मींस 10th। दिस सिस्टम इज अ पोजिशनल नोटेशन विद बेस 10, व्हिच इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फर्स्ट एंड लेटर ऑन कैरीड बाय अरब्स एंड देन टू द कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो डेसिमल वर्ड कहाँ से आई है, एक लेटिन वर्ड है जो डेसेम से आया है, जिसका मतलब है 10th। तो ये सिस्टम क्या है, ये पोजिशनल नोटेशन बताते हैं विद बेस 10, जिसको पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर बाद में अरब्स ने इनको यूरोप के और दूसरी कंट्रीज तक ले गए थे। तो वी हैव 1/10 का क्या मतलब होता है, 1/10 का मतलब है 0.1, 1/100 का मतलब है 0.01, 1/1000 का मतलब है 0.001। इसी तरीके से 10/100 का मतलब है 0.1, 10/1000 का मतलब है 0.01, 100/1000 का मतलब है 0.1। ये जो डॉट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और जो नंबर्स लिखे जाते हैं डेसिमल फॉर्म में, उन्हें हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, पहला होल नंबर पार्ट एंड दूसरा डेसिमल पार्ट, जो ये डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2.415 में हम बात करें, तो पॉइंट जो है ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। पॉइंट से लेफ्ट साइड का नंबर हमारा होल नंबर पार्ट होता है और पॉइंट के राइट साइड का नंबर हमारा डेसिमल पार्ट होता है। द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट्स इज शोन बाय जीरो, और अगर इनमें से कोई सा भी पार्ट मिसिंग है तो हम उस जीरो से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 23 को कैसे लिखेंगे, 23.0, मतलब कि इसमें हमारा डेसिमल वाला पार्ट नहीं है। 0.74 को हम लिखेंगे 0.74, मतलब इसमें होल पार्ट नहीं है। प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। फॉर डेसिमल नंबर्स वी हैव द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। तो हमारा ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, हमारा सेंटर में डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड पे हमारा ये होल नंबर पार्ट होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, इनकी प्लेस वैल्यूज हमने यहाँ लिखी है। देन राइट साइड में हमारा डेसिमल पार्ट होता है, जो होता है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो ये होता है 1/10 या 0.1, 1/100 या 0.01 एंड 1/1000 मतलब 0.001। तो अब देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को रीड कैसे करते हैं और उनको लिखते कैसे हैं। हमारे पास है 2/10 एंड 6/100, इसे डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। 2/10 का मतलब क्या है, 2 × 1/10, और 1/10 हमें पता है 0.1 होता है, तो 2 × 0.1 है 0.2। नेक्स्ट 6/100 का मतलब है 6 × 1/100, 1/100 का मतलब होता है 0.01, तो ये हो गया 0.06। अब हम मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम रीड करते हैं 5 1s 2 10s। तो कैसे, इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 2 10s है तो 10s वाली प्लेस पे 2 लिखा, 5 1s है तो 5 की प्लेस पे 5 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है 23 1s एंड 5/100, 500s।
तो 23 हमने टेंथ और वंस प्लेस पे लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट लगाया, और टेंथ प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने 0 लिखा, 100 प्लेस पे हमने 5 लिखा। हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड कर सकते हैं 5 होल 2 बाई 10 को रीड करेंगे 5.2, 23 होल 5 बाई 100 को रीड करेंगे 23.05। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, तो हमें डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। 14.15 हम इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 14.15। ये जो पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होते हैं इसको हम सेपरेट लिखते हैं, हर नंबर को हम इसको 15 लिख रहे हैं, आप इसको 15 नहीं लिखेंगे, अगर आपने 15 लिखा तो ये गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे 14.15। हम पॉइंट के बाद हर नंबर को सेपरेटली रीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0. अब इसको 675 रीड नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.675। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फिगर्स, अब हमें इनको फिगर में लिखना है। 8/10, 8/10 का मतलब क्या है, 8/10, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8/10 का मतलब होता है 0.8। नेक्स्ट है हमारे पास 107.02, 107.02, इस तरीके से हमने इसको लिखा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, अब हमें ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 6/10 का क्या मतलब है, 6/10 का मतलब है 6 × 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1, तो ये हो गया हमारा 0.6, इस तरीके से हम इसको डेसिमल में लिखते हैं। राइट द डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ ईच डिजिट, अब हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है 7.8 को, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट होता है इधर, वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ पे होता है टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, हमारा है 7.8, मतलब 7 वंस और टेंथ प्लेस पे 8। नेक्स्ट इज 0.09, इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 0.09, इस तरीके से इसको लिखेंगे हम। एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, अब डेसिमल्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इनको तीन तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू फॉर्म, डेसिमल फॉर्म या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म। देखते हैं कैसे एक्सपैंड करेंगे, हमारा क्वेश्चन है 15.267, इसका मतलब है 110 प्लस 5 वंस प्लस 2 टेंस प्लस 6 हंड्रेड्स प्लस 7000, तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 प्लस 5 प्लस 0.2 प्लस 0.06 प्लस 0.007। फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखते हैं 10 प्लस 5 प्लस 2 बाय 10 प्लस 6 बाय 100 प्लस 7 बाय 1000। तो इसी तरीके से अगर हमें 6.084 को लिखना है तो हम लिखेंगे 6 वंस प्लस 8 हंड्रेड्स प्लस 7000, ये हमारा प्लेस वैल्यू फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे 6 प्लस 0.08 प्लस 0.004। फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखते हैं 6 प्लस 8/100 प्लस 4/1000। अब अगर हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है, तो हम इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, ये हमारा है 2376.123। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 5070.19। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑल थ्री वेज, तो हमें नंबर्स को तीनों तरीके से एक्सपैंड करना है। 16.3 को हमें एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1 10 प्लस 6 वंस प्लस 3 टेंस, ये हो गया प्लेस वैल्यू फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 10 प्लस 6 प्लस 0.3, ये डेसिमल फॉर्म है। अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 10 प्लस 6 प्लस 3/10, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू फॉर्म, डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म, तीनों फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा क्या नंबर बनेगा, ये हमारे पास है 4.123। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 6000 प्लस 400 प्लस 5, इसका मतलब यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, टेंस प्लेस पे हम 0 लगाएंगे, प्लस 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 3 बाय 100 प्लस 9 बाय 1000, तो ये बनेगा 6
फोर टेंस प्लेस पे जीरो लगाई, 5.139 इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब हम लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। अब जिन डेसिमल्स में जो डेसिमल की प्लेस है वो सेम नंबर तक है उसे लाइक डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.8, 7.6, 21.5, 534.7, ये इन सारे डेसिमल्स में वन प्लेस है डेसिमल की, तो ये लाइक डेसिमल्स है। इसी तरीके से 0.24, 5.73, 12.40, इन सब में दो डेसिमल प्लेसेस हैं। ऐसे ही 0.109, 2.756, 32.480, इन सब में थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये सब कैसी हैं? ये लाइक डेसिमल्स हैं। नेक्स्ट अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। तो जिन डेसिमल्स में डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.6 में वन डेसिमल प्लेस है, 26.84 में टू डेसिमल प्लेस है और 124.568 में थ्री डेसिमल प्लेस है, तो ये कैसे हैं? ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल नंबर्स हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। जिन डेसिमल नंबर्स की सेम वैल्यू होती है इन इक्विवेलेंट डेसिमल्स बोलते हैं। तो 3/10 का मतलब है 0.3 और 30/100 का मतलब भी है 0.3। तो हम देख सकते हैं कि 0.3 एंड 0.30 हैव सेम वैल्यू क्योंकि दोनों सेम शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। पुटिंग और रिमूविंग जीरोस एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो डेसिमल नंबर के बाद हम जीरो पुट कर दें या रिमूव कर दें उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं डेसिमल विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि ऐसा कौन सा डेसिमल है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। उसके बाद हम उसमें वन और मोर जीरोस ऐड कर दें टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ ईच डेसिमल नंबर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 0.46, 46.8, 5.96, 3.042। अब इसे हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने देखा डेसिमल पार्ट सबसे ज्यादा किस में है, 0.246 में। तो हमने अपने बाकी के डेसिमल्स भी यहाँ पे लिखे। अब हमने देखा पॉइंट के बाद थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 46.8 में एक डेसिमल प्लेस है, इसमें टू जीरोस पुट कर दी, अब थ्री हो गई। 0.96 टू डेसिमल प्लेसेस थी, एक जीरो पुट कर दी, अब थ्री हो गई। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास थ्री ऑलरेडी थी, तो अब ये क्या बन गए, ये लाइक डेसिमल्स बन गए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर लाइक डेसिमल्स, तो इनमें से कौन से लाइक डेसिमल्स हैं हमें बताना है। फर्स्ट हमें दिख रहा है डेसिमल प्लेस में टू डिजिट्स हैं, यहाँ भी टू हैं, यहाँ भी टू हैं और यहाँ भी टू हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टू है प्लेसेस, यहाँ थ्री है, यहाँ टू है और यहाँ वन है, तो ये लाइक डेसिमल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनलाइक डेसिमल्स, इनमें से कौन से अनलाइक डेसिमल्स हैं। यहाँ हमें दिख रहे हैं टू प्लेसेस, टू टू एंड टू, तो इनमें सब में टू प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं, यहाँ अनलाइक डेसिमल्स नहीं है। नेक्स्ट हमें यहाँ दिख रहा है टू प्लेसेस, देन वन, देन टू, देन टू, तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। राइट टू इक्विवेलेंट डेसिमल्स फॉर ईच, अब हमें इनके लिए इक्विवेलेंट डेसिमल यहाँ पे लिखना है। 0.3 के लिए हमें इक्विवेलेंट डेसिमल, तो 0.3 का मतलब क्या है, हमें पता है 0.3 का मतलब है 3/10, तो इसके लिए इक्विवेलेंट डेसिमल क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं 30/100 या फिर हम लिख सकते हैं 300/1000। इस तरीके से हमने ये इक्विवेलेंट डेसिमल बताया। कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, अब अनलाइक डेसिमल्स को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 23, 6.87 एंड 45.672, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे डेसिमल के बाद किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे थ्री है, यहाँ टू है और यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे जीरो है, तो सबसे ज्यादा है 45.672 में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको लिख लेते हैं 23, 6.87 और ये है 45.672। इसमें हमें पता है इसमें थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम बाकी नंबर्स में भी थ्री डेसिमल प्लेसेस बना लेंगे। 6.87 में हम एक जीरो लगा देंगे, तो ये थ्री डेसिमल प्लेसेस बन गई।
यहाँ पे हम थ्री जीरोस लगा देंगे तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स बन गए हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स, अब डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे उनको ऑर्डर करते हैं। डेसिमल्स को हम सिंपली होल नंबर्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं। हम पहले डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो जीरोस हमें ज़रूरत होगी हम उनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल विद ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर, जिसका होल नंबर पार्ट ज़्यादा होगा वो ग्रेटर होगा। यहाँ पे होल नंबर में 12 है और यहाँ पे 9 है, हमें पता है 12 इज ग्रेटर देन 9, तो 12.567 ग्रेटर हो गया 9.879 से। अब अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है तो हम टेंथ डिजिट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे टेंथ डिजिट है 9, यहाँ पे टेंथ डिजिट है 8, 9 इज ग्रेटर देन 8 तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। अब अगर होल नंबर पार्ट भी इक्वल है, टेंथ प्लेस भी इक्वल है, तो हम हंड्रेड्स डिजिट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 2 तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। अब अगर हंड्रेड्स डिजिट भी इक्वल है तो हम थाउजेंड्स डिजिट कंपेयर करते हैं। हमने देखा यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट अब हमें कंपेयर करना है 32.69 4 से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 32.690 और दूसरा नंबर है हमारे पास 32.694। तो होल नंबर पार्ट दोनों का सेम है 32, दोनों की टेंथ प्लेस पे भी 6 है, दोनों की हंड्रेड्स डिजिट भी सेम है 9, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी थाउजेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो 4 इज ग्रेटर देन 0 तो 32.694 हमारा ग्रेटर हो जाएगा 32.69 से। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया, सबके डेसिमल प्लेसेस इक्वल बना ली हमने। अब हम इनको सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हम इसको लिख देंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब हम सबके पहले डेसिमल प्लेसेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सब में 3 प्लेसेस है डेसिमल प्लेसेस एक्सेप्ट सेकंड नंबर, तो इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस हमने बना लिए 10 ऐड करके। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया 4.670 एंड 4.760। अब ये हमारे लाइक डेसिमल बन गए हैं। अब हम सबके होल नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे सबका होल नंबर सेम है। तो अब सबकी टेंथ प्लेस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। तो अब 0 स्मॉलेस्ट डिजिट है तो 0 वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उनकी हंड्रेड्स प्लेस चेक करते हैं, 7 और यहाँ 0। 0 स्मॉलेस्ट है तो पहले इसको लिखेंगे 4.006, हमने ये वाला नंबर लिख लिया है। नेक्स्ट अब हमारा ये नंबर हो जाएगा 4.076। अब 6 स्मॉलेस्ट डिजिट है तो इनकी 100 प्लेस चेक करते हैं, यहाँ पे 7 है और फिर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल है, तो इनको लिख लेंगे दोनों को। लास्ट नंबर हमारे पास बचा है 4.760, ये हमने लिख लिया, बट हमें आंसर अपना देना होगा ओरिजिनल डेसिमल्स में। तो ओरिजिनल डेसिमल्स क्या थे हमारे, ये था 4.006, 4.076 और ये 4.67 था, इसमें 10 हमने ऐड करी थी, तो इसको ओरिजिनल लिखेंगे एंड देन 4.670 एंड 4.760। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये कुछ डेसिमल्स हैं जिनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। पहले सबके डेसिमल प्लेसेस चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हमें इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 3, तो हम सबको 3 प्लेसेस तक कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 0.400, 0.040, 0.004, 4.400 एंड 4.040। तो हमने ये सारे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम सबका होल नंबर पार्ट चेक करते हैं, यहाँ पे 0.004, 4 ग्रेटेस्ट है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट देखेंगे, 4 ग्रेटेस्ट है तो इन 4 डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इनके टेंथ डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, 4 डिजिट ग्रेटर है, तो पहले इस वाले नंबर को हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे
4.400। नेक्स्ट इसके बाद आएगा 4.040। ये दोनों नंबर्स हमने लिख लिए। अब हम इन बाकी के तीन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इनके टेंथ प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। 4 इज ग्रेटर, तो पहले हम ये वाली डिजिट लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.400। अब इन दोनों में हंड्रेड्स डिजिट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ 0 है, तो हम इस वाली डिजिट को लिखेंगे 0.040 एंड लास्ट 0.004। अब हमें आंसर देना होगा अपने ओरिजिनल डेसिमल में। सो हमने सबसे पहले ये लिखा था 4.400, इसका ओरिजिनल था 4.4 एंड 4.040 इज 4.04। फिर उसके बाद 0.4, 0.04 एंड लास्ट में 0.004। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं। टू ऐड डेसिमल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम डेसिमल्स को कॉलम में लिखेंगे वन अंडर द अदर और डेसिमल पॉइंट को लाइन अप करेंगे, फिर हम उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और उनको सिंपली ऐड कर देंगे डेसिमल पॉइंट पुट करके। हमें 22.6, 8.8 एंड 14.7 को ऐड करना है, तो हमने इनको कॉलम में अरेंज किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट किया और सिंपली ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया 46.1। अब हमारे पास था 144.02, 16.034 एंड 192.64। हमने इनको कॉलम वाइज अरेंज किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इनको लाइक डेसिमल्स में अरेंज किया हमने। यहाँ पे 144.02 था, हमने एक और जीरो ऐड करी, थ्री डेसिमल प्लेसेस बनाए। इसी तरीके से अपने थर्ड नंबर को भी हमने थ्री डेसिमल प्लेसेस बनाए और उनको ऐड किया, तो हमें मिल गया 352.694। रिन्नी हैड रुपीज 256.45 इन हर डिजिटल अकाउंट। तो रिन्नी के डिजिटल अकाउंट में इतना मनी है कि शी गॉट रुपीज 700.50 ऑन रक्षाबंधन फ्रॉम हर ब्रदर। उसको इतना रुपीज रक्षाबंधन पे मिला अपने ब्रदर से एंड हर फादर गेव और उसके फादर ने दिया रुपीज 129.60। तो उसके पास अब कितना मनी है ये हमें बताना है, तो हमने सबको कॉलम वाइज अरेंज किया और इनका टोटल हमने कर दिया, तो हमें पता चला रुपीज 1086.55 इन हर डिजिटल अकाउंट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमें सम फाइंड करना है, कॉलम में ऑलरेडी अरेंज है, सम फाइंड करते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 7 + 5 = 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 6 + 5 = 12, 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 1 + 5 + 3 = 9 एंड 2 + 1 = 3, तो हमें मिला 392.2। तरीके से हम इसका सम करते हैं, तो अब यहाँ पे करते हैं इसको, हम 8 + 6 + 9 करेंगे तो हमें 23 मिलेगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे। और 2 + 4 हम करेंगे, हमें 6 मिलेगा, 6 + 5 + 5 = 16, तो 6 यहाँ लिखेंगे एंड 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 1 + 7 + 7 + 7 करेंगे, हमें 22 मिलेगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे। Then 2 + 6 + 2 = 10 and 10 + 7 = 17. 1 + 5 + 3 + 3 करेंगे, हमें 12 मिलेगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 + 4 = 5, तो हमें मिला 5272.63। एड द फॉलोइंग बाय अरेंजिंग देम इन कॉलम। अब हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमारे पास है 346.75, नेक्स्ट 49.93। हम डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 451.148। नेक्स्ट 89.7। तो हमने ये कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल प्लेसेस हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो 0 + 0 + 8 + 0 करेंगे, हमें 8 मिलेगा। 5 + 3 = 8 एंड 8 + 4 = 12, 1 कैरी करेंगे। 1 + 7 = 8, 8 + 9 हम करेंगे तो हमें 17 मिलेगा, 17 + 1 = 18, 18 + 7 हम करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, तो 5 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 2 कैरी करेंगे। 2 + 6 = 8,
8 plus 9 is 17, 17 plus 1 is 18 and 18 plus 9 हम करेंगे तो हमें 27 मिलेगा. 7 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे. 2 plus 4 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15 and 15 plus 8 हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 23 मिल जाएगा. 3 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे. 2 plus 3 is 5 and 5 plus 4 is 9. तो हमें आंसर मिला 937.528. इस तरीके से हम इनको कॉलम में अरेंज करके ऐड करते हैं. अ मिल्कमैन सोल्ड 75.45 लीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग. तो एक मिल्कमैन ने इतना लीटर ऑफ मिल्क मॉर्निंग में सेल किया है, 27.25 लीटर मिल्क इवनिंग में सेल किया है. तो हाउ मच मिल्क डिड ही सेल इन अ डे, तो उसने एक डे में कितना मिल्क सेल किया है. हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे. 75.45 लीटर एंड इवनिंग में कितना सेल किया है, 27.25 लीटर. 27.25 लीटर ये लाइक डेसिमल्स में ऑलरेडी इनको ऐड कर देते हैं. 5 प्लस 5 इज 10, 1 प्लस 4 प्लस 2 इज 7, पॉइंट लगाएंगे. 5 प्लस 7 इज 12, 1 प्लस 7 प्लस 2 इज 10. तो हमें मिल गया 102.70 लीटर्स. अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर्स इज सेम एज द होल नंबर्स, वी फॉलो द स्टेप्स एज इन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्ट. सिमिलर है ये होल नंबर्स की तरह, हम एडिशन वाले स्टेप्स फॉलो करके सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमारे पास आ गया 7.222. अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने पहले इनको कॉलम में अरेंज किया, देन हमने इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल गया 7.17. समीक्षा हैड 102 केजी ऑफ राइस. समीक्षा के पास 102 केजी राइस है. She used 26.125 kg in a month. उसने एक मंथ में इतना kg use किया. How much rice is left with Samiksha at the end of the month? तो अब उसके पास कितना kg rice बचा है ये आपको बताना है. कैसे बताएंगे हम, हमने क्या किया, सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना है. कॉलम में अरेंज किया, डेसिमल प्लेसेस को सेम बनाया, हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया. हमें पता चल गया 75.875 kg of rice is left with Samiksha. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो ये कॉलम में ऑलरेडी अरेंज है, हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास है 4 - 5, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, हम यहाँ पे बोरो लेंगे. हमारे पास हो जाएगा 14 - 5, 14 में से 5 माइनस करेंगे हमें 9 मिलेगा. 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो लेंगे तो 15 - 7 इज 8, पॉइंट लगाएंगे. 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे तो 12 - 8 इज 4 एंड 4 - 2 इज 2. तो हमें मिला 24.89. एक और करते हैं इसी तरीके से. 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे तो हमें मिला 11. 11 - 3 इज 8, 5 - 5 इज 0, 5 - 4 इज 1, पॉइंट लगाएंगे. 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे तो 12 - 4 इज 8, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे. 16 - 8 इज 8 एंड 8 - 6 इज 2. तो हमें मिला 288.108. अब हमें इनको कॉलम में अरेंज करना है खुद से और देन सब्ट्रैक्ट करना है. हमारे पास है 478.78, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 156.73 ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है. हमने कॉलम में अरेंज कर लिया, डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 - 3 इज 5, 7 - 7 इज 0, 8 - 6 इज 2, 7 - 5 इज 2 एंड 4 - 1 इज 3. तो हमें मिला 322.05. इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. मानिक्स हाइट इज 7.91 मीटर. मानिक की हाइट हमें गिवन है 7.91 मीटर. हिज सिस्टर श्रेया इज 4.52 मीटर शॉर्टर देन हिम. उसकी सिस्टर जो है श्रेया, वो 4.52 मीटर शॉर्टर है मानिक की हाइट से. तो फाइंड द हाइट ऑफ श्रेया, श्रेया की हाइट हमें फाइंड करनी है. क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 7.91 - 4.52.
ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये लाइक डेसिमल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन में से टू सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 2 दैट इज 9, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 7 माइनस 4 इज 3। तो श्रेया की हाइट कितनी है? 3.39 मीटर। इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा, डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं, हम उसको कैसे रीड करते हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इनको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।